जहाँ तक आज ऑनरेबल मेंबरान को मौका मिला, जो एलजी साहब का खुतबा था, एड्रेस था, उस पर अपनी राय पेश करने का, अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ के मसाइल उभारने का पहली बार मौका मिला। कई ऑनरेबल मेंबरान ने आज शिरकत की इस बहस में और खुलकर बातें की, और आज ही लगा कि असेंबली सेशन में कुछ जान आई है। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि एक बड़ी अपोजिशन पार्टी के लीडर हाउस में नहीं थे मौजूद। बहरहाल वो कमी अपनी जगह पर, जहाँ तक ऑनरेबल मेंबरान की पार्टिसिपेशन का ताल्लुक है, वो काफ़ी हौसला अफजा है। और हम आए ही हैं हाउस में, हमें भेजा गया है, चुना गया है हाउस में, ताकि हम आवाम के मसाइल उभारें, ताकि हम पॉलिसियों के बारे में अपना नुक्ता निगाह पेश कर लें, ताकि हम सरकार की दिशा पर अपनी राय पेश कर लें। इसीलिए हमारे आवाम ने हमें भेजा है। हमारे आवाम पिछले कई सालों से एक मुश्किलात के बंवर में फंसे हैं। जम्मू के आवाम हूँ, कश्मीर के आवाम हूँ, बेरोज़गार नौजवान हूँ, मीडिया पर्सनल हूँ, या इसके अलावा किसान हैं हमारे, सेब का सवाल है, हमारे प्रोड्यूस का सवाल है, कोई कीमत नहीं है, वाजिब कीमत उन्हें मिलती नहीं है। और इसी तरीके से जहाँ हमारे लैंड राइट्स का ताल्लुक है, जॉब राइट्स का ताल्लुक है, उसको भी उन हमारे हुकूक पर भी आँच आई है और गुठन सी महसूस हो रही है हमारे जम्मू कश्मीर में। जहाँ तक सिविल लिबर्टीज़ का ताल्लुक है, डेमोक्रेटिक राइट्स का ताल्लुक है, जेल खाने भरे हुए हैं, बेतहाशा वो जो वेरिफिकेशन का सिलसिला जारी है, करे कोई लेकिन भरे कोई और, ये और कई लोग हैं जो पॉलिटिकल बुनियादों पर नज़रबंद हैं बाहर रियासी बाहर के जेलों में। हमारा मुतालबा है कि उन पर नजरसानी की जाए, और यही सवालात उभारे मुख्तलिफ ऑनरेबल मेंबरान ने, क्या जमहूरियत फरे फूले और हमारे आवाम को अच्छे दिन बेहतर ज़िंदगी नसीब हो। ये बहस का मुख्तसर जायज़ा है मेरी तरफ।